अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल्स का नंबर नहीं है, तो इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। MCX के और बिटकॉइन के लेवल वीडियो के लास्ट में है, तो अगर आप MCX या बिटकॉइन में काम करते हो तो आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। मैं मार्केट के लाइव अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर टेलीग्राम बैंड है आपकी कंट्री में तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं शाम को भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ 7 बजे के आसपास अपने इंग्लिश चैनल पर, इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई कमेंट आपको, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, बिना बंद ना करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं शेयर का बटन दबाकर। गोल्ड 1875 के आसपास चल रहा है, 1860 का लो बनाया था कल गोल्ड ने, उसके बाद अच्छी रिकवरी आई। ये जो लो बनाया था ये 6 बजे के आसपास बनाया था शाम, जब GDP नंबर्स आए थे US के और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए थे। GDP नंबर्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स दोनों उम्मीद से बेहतर आए थे। GDP जो मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, जो प्रीवियसली एनुअलाइज GDP आई थी वो -31.4% आई थी, फोरकास्ट 31 से 32% के आसपास था, लेकिन वो आई 33.1%। क्वार्टरली GDP -2.1% थी लास्ट टाइम, इस बार 2.2 से 2.5% प्लस में आने की उम्मीद थी, लेकिन आई 33.7%, जिसकी वजह से मार्केट में जबरदस्त गोल्ड में क्रैश आया और 1860 के लोज बने। 1860 के लोज के बाद अभी 1875 चल रहा है गोल्ड, एक अच्छी रिकवरी दिखाई है $15 की गोल्ड ने उसके बाद से। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। आज फ्राइडे भी है तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक इलेक्शन है US में, तो कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो मंडे के लिए होल्ड ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। गोल्ड का आज का सपोर्ट है $1860, गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का $1882, सिर्फ $6-7 ही दूर है अपने रेजिस्टेंस से गोल्ड, तो ख्याल रखिएगा। 1882 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो 1890 और 1900 जा सकता है, 1860 के नीचे टिकता है और सस्टेन करता है तो 1850 और 1840 जा सकता है। अगर आप मेरा वीकली वीडियो देखते हो तो हमारा एक 1860 का सपोर्ट भी था, सॉरी 1845 का सपोर्ट था, तो 1845 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, अभी यहाँ से $30 ज़रूर है दूर, 1845 से नीचे क्लोज हो जाता है तो 1800 गोल्ड दिखा सकता है। तो आज की क्लोजिंग पर ध्यान रखिएगा, बाकी वीकली एनालिसिस मैं आपको कल अपडेट दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए लाल बटन दबाकर और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ आप वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके फ़ोन पे। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट, तकरीबन 0.1% ऊपर चल रही है ये अपने कल रात की क्लोजिंग से। सिल्वर थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को, बिकॉज कल रात जो है डाउ जोन्स और स्पेशली नैसडैक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तकरीबन 11,450 के आसपास चला गया था। और सिल्वर का जो है और इक्विटी का थोड़ा सा कनेक्शन इसलिए है बिकॉज सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और कल अच्छे रिजल्ट्स आए थे US की बड़ी अच्छी कुछ दो तीन बड़ी कंपनीज के, अमेजोन के रिजल्ट अच्छे आए थे, नेटफ्लिक्स ने अपने दाम बढ़ा दिए थे सब्सक्रिप्शन के, जिसकी वजह से कल US की इक्विटी मार्केट में रिकवरी आई थी। 4-5 न्यूज़ की वजह से इक्विटी में रिकवरी आई थी, जिसका फ़ायदा सिल्वर को भी हुआ। अभी 23.50-23.48 चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है सिल्वर में। सिल्वर का आज का सपोर्ट है $23.10 का, सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का $23.60 का। सिल्वर का ट्रेंड भी अभी वीक बना हुआ है, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के काफी पास काम कर रहा है,
2360 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है ऊपर तो $24 और 2440 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों वीक जोन में हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर चले जाते हैं और सस्टेन करते हैं तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, बट अब जैसे कि मैंने बताया आज फ्राइडे है तो मंडे के लिए कोई पोजीशन होल्ड ना करें। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। इस सीजन का एक नया लो बना तकरीबन $35 तक का कल क्रूड ऑयल में। $35 तक के लो बनाने के बाद अभी क्रूड ऑयल थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट 36-40 के आसपास चल रहा है। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग भी सिल्वर क्रूड ऑयल के लिए थोड़ी क्रूशल रहेगी। आज का क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 35-80 का, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 36-90 का। 36-90 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है मार्केट ऊपर क्रूड ऑयल का तो $37.50 और $38 तक जा सकता है। 35-80 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो $35 और $34 तक जा सकता है। फिलहाल तीनों कमोडिटीज जो हैं वो वीक जोन में हैं, तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो ऑफकोर्स तीनों कमोडिटीज पॉजिटिव हो जाएंगी। अब MCX के और बिटकॉइन के लेवल देखने से पहले एक बार यूरो को देख लेते हैं। यह है यूरो का चार्ट, 1700 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। आज का इसका रेजिस्टेंस तकरीबन यहाँ पे है 1710 के आसपास। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1760 और 1800 तक जा सकता है। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यूरो का रेजिस्टेंस आज का 1710 का है, यूरो का सपोर्ट आज का 1640 का है। यूरो का ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। 1710 के ऊपर 1715 के ऊपर सस्टेन करता है तो जरूर यूरो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, बट फिलहाल अभी यूरो पीक है। अब MCX के लेवल आते हैं। MCX के लेवल ₹74.60, USD INR नवंबर वाला ₹74.60 चल रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको आज के MCX के लेवल दे रहा हूँ। अभी फिलहाल 5 बजे जब USD INR बंद हो जाएगा तो वापस से आपको गोल्ड सिल्वर के और क्रूड ऑयल के लेवल देखने मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको कम्युनिटी पोस्ट में। कम्युनिटी पोस्ट देखने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं सब्सक्राइब के बराबर में, और ये जो कम्युनिटी पोस्ट के जो लेवल्स है वो देख सकते हैं। अभी भी आपको कॉपर के नेचुरल गैस के लेवल देखने मिलेंगे जिंक के साथ, और शाम को 5 बजे गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के MCX के। MCX का गोल्ड अभी चल रहा है 50,420। आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। MCX गोल्ड का आज का रेजिस्टेंस है 50,560। आज का गोल्ड का सपोर्ट है 50,070 का। ध्यान रखिएगा 50,560 के ऊपर 50,900 तक जा सकता है, 50,070 से के नीचे 49,800 और 49,500 तक जा सकता है। सिल्वर चल रही है 60,570। आज का सिल्वर का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 60,830 का। सिल्वर का आज का सपोर्ट है 59,910 का। आपका कोई भी कमेंट है या कोई भी क्वेरी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका कोई फीडबैक है तो उसके लिए भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन यूज कीजिए। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, वीडियो के अंदर शेयर का बटन दे रखा है, आप उस शेयर का बटन दबाकर अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कहीं भी शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें बिना बंद ना करें, आपके लाइक करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब शाम को वापस से एक वीडियो अपलोड करूंगा 7 बजे के आसपास, US खुलने से थोड़ी देर पहले। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट के अपडेट्स मैंने टेलीग्राम और ट्विटर पर देता हूँ, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब शाम को मिलूंगा शाम वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।